लोहरदगा में 13 दिसंबर को आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से गुमला से लोहरदगा पहुंचे। उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण और SPR रामकुमार मुख्यमंत्री के आगमन और जोहार यात्रा के कार्यक्रम की हर एक व्यवस्था को ठीक करने में जुटे दिखे। सरकार प्रोग्राम लोग पूरा तैयारी करवाए हैं और पर मेन मेन जगह पर डिप्लॉयमेंट और क्या QRT टीम्स और वरीय प्रभार में जगह जगह पर वरीय प्रभार में भी पदाधिकारी लोग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औचक निरीक्षण का कार्यक्रम है और अगले दिन यानी कल जो है वो गुमला और लोहरदगा जिला का संयुक्त समीक्षा बैठक होगा। तो इन कार्यक्रमों को लेकर के जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और हम लोग अभी बागमारा के मलकेरा सचिवालय में कंबल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों ने गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। 101 लोगों के बीच कंबल वितरण हुआ। मीडिया से बात करते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेश रजवार ने कहा कि झारखंड सरकार की तरफ से हर प्रखंड में लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की जा रही है। मालकेरा उत्तर पंचायत में आज ठंड देखते हुए आज गरीबों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया है। यही संदेश देना चाहते हैं गरीबों से कि जो मतलब यह आज वितरण जो कंबल हो रहा है सभी को मतलब गरीब लोग ठंड से बचें और उसका मतलब ये लाभ उठाएं। ठंड को देखते हुए कंबल प्रखंड द्वारा कराया गया है। 120 कंबल मुखिया को, 80 कंबल पंचायत समिति को, 200 कंबल हर पंचायत को दिया गया है। लेकिन ये 200 कंबल पर्याप्त नहीं है। गरीबी इतना है, ठंड भी ज़्यादा है। आज कंबल लेने वाला की संख्या ज़्यादा है, इतना कम संख्या में पूरे झारखंड में हर प्रखंड में झारखंड सरकार के द्वारा कंबल उपलब्ध करवाया गया है। उसमें हम लोग का मलकेरा उत्तर पंचायत में भी माननीय मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं वार्ड सारे लोगों को के माध्यम से बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कंबल वितरण हम लोग कर रहे हैं। धनबाद के कोयला कारोबारी शाहबाज और बबलू हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का नाम अनिल यादव है। पकड़े गए आरोपी ने भी ये नहीं बताया कि गोली कैसे चली, बस उसने इतना जरूर कहा कि अचानक गोली बबलू को लग गई, उसने हत्या नहीं की। पूरे मामले में कोयला कारोबारी और मृतक के करीबी पप्पू मंडल की भूमिका क्या है इस बात पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। स्कॉर्पियो में गोली चलने की घटना घटित हुई और उक्त संदर्भ में फिर घायल व्यक्ति को जो निकटवर्ती लोग थे इसको इलाज के लिए सराडेला में केंद्रीय अस्पताल ले गए, जहां इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस के जांच पड़ताल में उक्त व्यक्ति का नाम शहबाज उर्फ बबलू था, जो पता चला कि रात में लोकल लिट्टी मुर्गा का पार्टी था।